नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है वेलकम टू दिस वीडियो तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में सब्जेक्ट कौन सा है फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस जो कि एट सेमेस्टर के अंदर है तो उसका क्वेश्चन पेपर हम इस वीडियो के अंदर एनालिसिस करने वाले हम देखने वाले कि किस कि यूनिट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे पूछा जा सकता है या फिर कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट आ सकते हैं तो उसके बारे में हम जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं फ्रेंड्स ओके okay, तो कितने मार्क्स की एग्जाम होती है हमारी सेवेंटी फाइव मार्क्स की एंड सेमिस्टर एग्जाम होती है फ्रेंड्स जो पी का सिलेबस होता है वो सबके लिए सेम होता है लेकिन जो पेपर पैटर्न होता है वो पेपर पैटर्न है यहाँ पर अलग अलग हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग हो सकता है इसलिए आप टेंशन मत लीजिए आप सिर्फ स्टडी कीजिए क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करते हैं यूट्यूब के ऊपर कुछ कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्वेश्चन ए जो है इतने मार्क्स के लिए बी इतने मार्क्स के लिए हर हर एग्जाम मतलब जो हर क्वेश्चन पेपर है तो उसके उसके अंदर अलग अलग हो सकता है क्योंकि हम जब भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेके आते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के होते हैं ओके फ्रेंड्स तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास आज का क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर जो है वो पुणे यूनिवर्सिटी का है तो देख लेते चलो इसके अंदर क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर आपको टोटल सेवन क्वेश्चन होते हैं उनमें से फाइव क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने होते हैं और उस, फिफ्टीन मार्क्स के लिए होता है क्वेश्चन ए जो होता है वो फिफ्टीन मार्क्स के लिए होता है तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिव द स्टेजेस ऑफ ड्रग डिस्कवरी तो ड्रग ड्रग डिस्कवरी की जो स्टेजेस है तो स्टेजेस यहाँ पे आपको उसके स्टेजेस के बारे में यहाँ आप, पर आपको डिटेल में जानकारी लिखनी है सेकंड देख लीजिए व्हाट इज एनडीए एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनडीए न्यू ड्रग एप्लीकेशन आपको पता होगा तो उसको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे आपको सी क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन ए एनडीए के ऊपर नोट्स यहाँ पर आपको लिखने हैं नेक्स्ट इलेबोरेट ऑन द कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट सी टी डी जिसे हम कहते हैं कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट तो उसको यहां पे आपको लिखना है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए एक्सप्लेन द क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोटोकॉल्स ओके क्लिनिकल ट्रायल जो प्रोटोकॉल होते हैं उसकी जो टेम्पलेट होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के वहां पे आपको ये एक्सप्लेन करने हैं फ्रेंड्स ओके नेक्स्ट देख लीजिए गिव बेसिक टर्मिनोलॉजी इन रेगुलेटरी कंसेप्ट जी क्वेश्चन देख लीजिए राइट नोट ऑन ऑरेंज बुक तो ऑरेंज बुक के ऊपर यहाँ पे आपको नोट्स लिखने तो सिंपल सा पेपर था इजी टॉपिक इसके अंदर, इसके अंदर कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था जो कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट हो गया सी हो गया या फिर एनडीए हो गया ए हो गया ए ड्रग डिस्कवरी स्टेजेस फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पता होगा फ्रेंड्स ऑरेंज बुक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑरेंज बुक हो गया या फिर पर्पल बुक हो गया तो ये तो बुक जो है तो ये आपको ये,

B, देख लीजिए एक्सप्लेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द न्यू ड्रग अप्रूवल इन इंडिया सी क्वेश्चन देख लीजिए एक्सप्लेन इन डिटेल्स रेगुलेटरी ऑथोरिटीज एजेंसीज इन यूरोप डी क्वेश्चन देख लीजिए डिस्क्राइब इन डिटेल प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोकॉल्स तो एक क्वेश्चन सेकंड था फ्रेंड्स क्वेश्चन सेकंड के अंदर टोटल फोर क्वेश्चन होते हैं आपको कोई भी दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं नेक्स्ट देख लेते देख हैं ले चलो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको एट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं एक इतने मार्क्स के लिए होता है तो फोर्टी मार्क्स के लिए होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा उसके अंदर फर्स्ट देख लीजिए एक्सपेंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन डिटेल जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को जो प्रोसीजर होती है फ्रेंड्स वो प्रोसीजर यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करनी है बी देख लीजिए राइट अ नोट ऑन द ड्रग मास्टर फाइल डीएमएफ एम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसे वेरी आप कर सकते हो ड्रग मास्टर फाइल को सी क्वेश्चन देख लीजिए एक्सप्लेन क्लिनिकल ट्रायल्स प्रोटोकॉल डी डिस्कस जी सी पी ऑब्लिगेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर एंड स्पॉन्सर्स ई क्वेश्चन देख लीजिए इलेबोरेट इलेबोरेट ऑन रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी कंसेप्ट देख लीजिए एक्सप्लेन ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी ऑथोरिटीज जी क्वेश्चन देख लीजिए राइट नोट ऑन फेडरल रेगुलेशन फेडरल रेगुलेशन के ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं फ्रेंड्स एक्स क्वेश्चन देख लीजिए एक्सप्लेन टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन फॉर द इंडियन ड्रग्स आए देख लीजिए डिस्क्राइब रेगुलेटरी अथॉरिटी इन जापान और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट अर नोट ऑन एसियन टेक्निक कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट ओके ए सी टी डी रिसर्च ये देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसियन टेक्निकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट ए सी टी डी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे आप अच्छे से कर दीजिए क्वेश्चन जो होते हैं जो रिपीट रिपीट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए उनको ज्यादा करके उन उनके ऊपर फोकस कीजिए जैसे कि क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल एक क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल क्वेश्चन फर फर्स्ट में सेकंड में और थर्ड में भी है आप देख लीजिए स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो आप क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर है सेकंड के अंदर भी है आ, क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल तो ऐसे जो क्वेश्चन है तो वो आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए इसका ज्यादा आपको स्टडी करना चाहिए ओके फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चन थर्ड था क्वेश्चन थर्ड हमारा पूरा फोर्टी मार्क्स का था फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड आपको रेगुलेटरी साइंस का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो वैसे वैसे आप आप अभ्यास uh, सॉरी आप आपका स्टडी स्टार्ट कर सकते हो ओके okay, अगर कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बता किसी और यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही थैंक यू सो मच फ्रेंड्स